गाइस तो यहाँ पे है मेरे पास पेबल कंपनी की स्मार्ट वॉच। और गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप जो है अपनी पेबल स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हो, और गाइस कैसे जो है आप इसमें कॉलिंग फीचर्स का यूज कर सकते हो, और गाइस कैसे जो है कॉलिंग वगैरह करने के लिए आप कैसे जो है अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। गाइस तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही नए नए टेक रिलेटेड वीडियोस जो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। और गाइस आप जो है इस वॉच को परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जो है ऑर्डर करके इसे मंगा सकते हैं। गाइस तो ये जो पेबल कंपनी की स्मार्ट वॉच है ये कॉलिंग के लिए भी इसमें फीचर्स दिया जाता है। गाइस जैसे ही हम जो है इसे अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद जो है इसमें कॉलिंग जब भी आता है, हमें किसी का कॉल आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो सभी चीज़ जो है आपको यहाँ पे वॉच में नोटिफिकेशन मिल जाती है। गाइस यहाँ पे जो है आपको एक ब्लूटूथ की सिस्टम दी जाती है, जैसे अपने फ़ोन में ब्लूटूथ दिया जाता है उसी तरह से जो है इसे अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए अलग से ब्लूटूथ जैसा जो है एक फंक्शन दिया जाता है वॉच में। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर की साइड से जैसे ही हम स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन ही मिल जाता है, जो कि मोबाइल आपको यहाँ पे दिख रहा है वही है इसे मोबाइल कनेक्ट करने का ऑप्शन। और गाइस दूसरा जो है आप जैसे ही इस साइड में स्वाइप करते हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्न ऑन का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। इसे जैसे ही आप टर्न ऑन करते हो तो यहाँ पे जो है आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट करने का जो प्रोसेसिंग होता है वो शुरू हो जाता है। तो चले गाइस मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे करना है आपको। गाइस तो आप जो है यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाके भी इस ऑप्शन को जो है ऑन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस साइड में स्वाइप करते हैं और यहाँ पे हमें सेटिंग्स के अंदर आना है, आप देख सकते हैं सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोन का जो है ऑप्शन दिख रहा है, तो इस ऑप्शन पे आपको टैप करना है। यहाँ पे जैसे आप टैप करते हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ऑन दिखा रहा है। तो उसके बाद जो है गाइस हमें अपने फ़ोन पर आना है। फ़ोन पर आने के बाद आपको जो है अपने फ़ोन के अंदर ब्लूटूथ जो है उसे ऑन कर लेना है। और जैसे ही आप ब्लूटूथ ऑन करते हो तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जो है आपकी डिवाइस का जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे ऑडियो PBL कॉस्मोस करके यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, तो इसे आप टेप करके यहाँ पे जो आप पेयरिंग कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक जो है पेयरिंग होके यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है। और गाइस यहाँ पे जो है हमें कनेक्टेड का जो है एक लोगो मिल जाता है कि आपकी ये जो वॉच है ये मोबाइल के साथ कनेक्टेड हो चुकी है। इसके बाद जो है गाइस आप अपने वॉच पे आ जाइए। वॉच पे आने के बाद आप देख सकते हैं गाइस जैसे ही आप इस साइड स्वाइप करते हो तो यहाँ पे जो है आपको तीन ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जो कि एक होता है कॉल रिकॉर्ड्स, आप जो भी कॉलिंग करते हो उसके रिकॉर्ड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और गाइस दूसरा आपको जो यहाँ से मिल जाता है डायल पैड। डायल पैड में से जो है आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर पर जो है फ़ोन कर सकते हो यहाँ से। और गाइस उसके नीचे जो है थर्ड ऑप्शन मिलता है हमें कॉन्टैक्ट का, आपको यहाँ पे कोई भी नंबर सेव करना है वॉच में वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चले गाइस अभी हम चेक करते हैं कि हमारी वॉच जो है ये मोबाइल से कनेक्टेड है या नहीं। तो जैसे ही हम यहाँ से कोई भी नंबर पे कॉल करते हैं, मैं 198 पे कॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं गाइस, तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ से आपको वॉइस आ रही है, आप देख सकते हैं। अब देख सकते हैं गाइज यहाँ से जो है आप वॉइस को कम भी कर सकते हैं, वॉइस को प्लस भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कुछ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और गाइज यहाँ से जो आपको कॉल कट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। गाइज तो इस तरह से जो है आप अपने वॉच को मोबाइल से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल पर आप अगर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।